हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स जो जी एस टी है जी एस टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जी एस टी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में याद रखने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सब्जेक्ट uh, जो है दैट इज़ बिन रिलेटेड विथ टी वाई बी कॉम बैफ बी एम एस सब में है इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमको जी एस टी पढ़ना है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जी एस टी के बारे में पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कलेक्शन एंड लेवी एंड लेवी ऑफ जी एस टी में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बिकॉज बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें दी है मैं आपको एकदम प्रिसाइज पॉइंट बताऊँगा एग्जैक्ट पॉइंट बताऊँगा जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं और वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प हो सकते हैं तो कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी ये जो पॉइंट है इसमें आपको करना क्या है इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में और उसमें से हमको फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट टैक्सेबल है एंड कौन से पॉइंट नॉन टैक्सेबल है विट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व हमको क्या करना है हमको ये ढूंढना है कि कौन से पॉइंट टैक्सेबल है कौन से पॉइंट नॉन टैक्सेबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए उसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के पॉइंट्स कौन से कौन से हैं तो हम क्या करेंगे हम धीरे धीरे छोटे छोटे सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि आ, इ, कौन से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो टैक्सेबल है तो पहले जो, आज जो हम हेड कवर करने वाले हैं वो हेड है हमारा रेंटिंग ऑफ इमूएबल प्रॉपर्टी ठीक है काफ़ी सिंपल हेड है तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रेंटिंग रेंटिंग ऑफ इमूएबल प्रॉपर्टी पे ऐसे कौन से कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जेम्ड होंगे या जो आपके नॉन टैक्सेबल होंगे बिकॉज एग्जाम में हमको यही ढूंढना है टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल और जो टैक्सेबल होंगे उसका टोटल करना है फिर उसके ऊपर वी विल कैलकुलेट द जी बस इतना ही चीज़ आपको करना है लेकिन उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तो काफ़ी सिंपल तरीका है मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ तो अगर आप पहली बार चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज आपके फ़ायदे के लिए सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होते हैं बच्चों को और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में मुझे मिलता है तो सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आपको जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में याद रखनी है वो क्या है कौन से पॉइंट्स है जो नॉन टैक्सेबल है कौन से पॉइंट्स है जो नॉन टैक्सेबल है वो हम डिस्कस करेंगे मतलब बाकी के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बाकी के सारे पॉइंट्स आपके टैक्सेबल हो जाएंगे तो अभी फिलहाल हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं तो पहले पॉइंट में आपको याद रखना है अगर आपने लैंड बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया होगा ठीक है रेसिडेंशियल पर्पस अगर आपने लैंड बिल्डिंग जो भी आपका घर है वो अगर रेसिडेंशियल पर्पजस के लिए दिया रहेगा तो दैट इज नॉन टैक्सेबल लेकिन वही अगर आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिया रहेगा तो दैट इज टैक्सेबल काफी सिंपल रूल है रेजिडेंशियल वर्ड आया तो नॉन टैक्सेबल कर दो और अगर कमर्शियल वर्ड आया तो टैक्सेबल कर दो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है ठीक है काफी सिंपल रूल है फिर दूसरा एक पॉइंट आता है बहुत बार पेपर में आया है होटल का टैरिफ होटल रूम ठीक है होटल रूम टैरिफ 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 का मतलब होता है चार्जेस तो रूम के लिए रूल uh, तो लेकिन अगर होटल का टैरिफ वन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है तो दैट इज टैक्सेबल तो ये आपको याद रखना है मतलब क्या है कि आपको अमाउंट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि होटल का टैरिफ जो है थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है कि थाउजेंड रुपीज से कम है अगर थाउजेंड रुपीज से कम है तो दैट इज नॉन टैक्सेबल और थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है तो दैट इज बीन टैक्सेबल फिर उसके बाद उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर ठीक है तीन पॉइंट में आपको एक साथ बताता हूँ ये याद रखना हॉर्टिकल्चर आ सकता है फिर एक पॉइंट आ सकता है एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर एनिमल हजबेंड्री एंड फ्लोरिकल्चर ठीक है प्लांट्स कल्टिवेशन फ्लावर्स कल्टिवेशन एनिमल हजबेंड्री ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स दिस इज बीन प्योरली नॉन टैक्सेबल तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर एनिमल हजबेंड्री और ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर होंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज करने के लिए रेमुनरेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेंशन रिसिव्ड बाई एम्प्लॉयर ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं तो वो भी हमारे नॉन टैक्सेबल है बिकॉज वो सारे हमारे सर्विस का पार्ट नहीं है एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ द जी एस टी एक्ट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेम्यूनिशन वर्ड आया या फिर पेंशन वर्ड आया तो ये सारे के सारे क्या है ये नॉन टैक्सेबल है एज़ पर एज पर शेड्यूल थ्री ठीक है कौन से शेड्यूल में आता है ये शेड्यूल थ्री जो है जी का उसके बेसिस पे दिया गया है कि वो हमारा नॉन टैक्सेबल है तो वो आपको याद रखना है रेंटिंग ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी तो इमुएबल प्रॉपर्टी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज यहां से आपके पेपर में काफी सारे पॉइंट्स बनेंगे तो ये जो मेजर मेजर पॉइंट्स है जो आपको हमेशा पेपर में देखने मिलते हैं वो मैंने आपको बताया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो पाए सबसे पहले अगर हमने लैंड या बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पजेस के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल अगर हमने होटल का रूम टैरिफ देखा तो होटल के रूम टैरिफ पे हमको क्या देखना है हमको ये देखना है कि थाउजेंड रुपीज से कम है या नहीं अगर थाउजेंड रुपीज से कम है तो दैट इज प्योरली नॉन टैक्सेबल थाउजेंड रुपीज़ से ज़्यादा रहे, तो रहेगा तो दैट इज टैक्सेबल हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फ्लोरिकल्चर इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज रहेगा तो दैट इज़ नॉन टैक्सेबल any remuneration any pension uh, if it comes in the question that is also non taxable that is been non taxable as per schedule 3 of the gst act so i hope ki aapko immovable property ka part clear hua rahega aise hi hum aage dheere dheere badhenge और इसके जो question solving है वो मैंने already आपको uh, uh, provide करके रखा है playlist बनाया है तो वो आप check कर सकते हैं ताकि आपको ये indirect taxes का जो प्रॉब्लम है या इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो आपको एग्जाम में जाके कन्फ्यूज होता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े किस टाइप के क्वेश्चंस है तो दिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ के रखें दैट विल बी इजी फॉर यू थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर